नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तराखंड के जनपद पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस द्वारा जिलाध्यक्ष ऋषेंद्र महर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार व प्रशासन के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया गया, उग्र प्रदर्शन किया गया। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष ऋषेंद्र महर ने कहा कि लंबे समय से प्रदेश सरकार से मांग रही है कि कोरोना महामारी से बचने और लड़ने के लिए हमने कोविड 19 की विस्तारित जांच करनी पड़ेगी, ताकि हमको वास्तविक रूप से पता चल सके कि कौन व्यक्ति संक्रमित है और कौन संक्रमित नहीं है, ताकि उस आधार पर हम संक्रमित लोगों को आइसोलेट कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करें, उनको स्वास्थ्य लाभ दिलाएं और कम्युनिटी स्प्रेड होने से बचा सके। यूथ कांग्रेस द्वारा प्रदेश सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर जल्द उन्होंने जांचों में तीव्रता नहीं अपनाई गई तो यूथ कांग्रेस उग्र रूपी आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। युवा कांग्रेस द्वारा सांकेतिक रूप से धरना स्थल पर जाकर धरना दिया गया, उसका मुख्य कारण यह है कि हमने उत्तराखंड सरकार से एक मांग की है। वो मांग यह है कि जो कोरोना जांचें हैं, जो कोरोना किट है, उसको बढ़ाया जाए, जांचें बढ़ाई जाएं, और अगर ये स्थिति जल्द से जल्द ठीक नहीं होती है, युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करने हेतु बाध्य होगी। धन्यवाद। हमारा पूरे प्रांतीय स्तर पर हर जिला मुख्यालय में और जो विधानसभा SDM कार्यालयों में प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि कोरोना महामारी अपनी जड़ें हमारे देवभूमि उत्तराखंड में भी फैला चुकी है और बहुत स्पीड से यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड फैलता जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार AC के कमरों में बैठ के अपने कान और आंख बंद करके बैठी है। हम प्रदेश सरकार को चेताना चाहते हैं और नींद से जगाते हुए कहना चाहते हैं कि आप COVID-19 की विस्तारित जाँचें कराएं, ताकि वास्तविक रूप से पता चल पाए कि कौन संक्रमित है, कौन पॉजिटिव है या कौन नेगेटिव है, और जो भी संक्रमित लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, उनको आइसोलेट किया जा सके और उनका स्वास्थ्य परीक्षण करके उनको स्वस्थ किया जाए और अन्य जनसमूह को बचाया जाए। और अगर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द COVID-19 के टेस्टों की अगर संख्या नहीं बढ़ाती है प्रदेश में और जिले में, तो यूथ कांग्रेस उग्र रूपी आंदोलन करने हेतु सड़कों पर उतरेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।